अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उठो ना, मैं तुहाडे तो भी काला है। टोबा टेक सिंह ते थोड़ा जा दूर जाके एक जुम्मा पढ़ाया। जुम्मे तो बाद बाट साहब की दावत है। अलहमदुलिल्लाह इन्नी फिक्र है कि प्रोग्राम के अंदर पहुँचिए। जुम्मे का पसीना मेरा अजे तक नहीं सुकया, और इस अंदाज ना कि जल्दी जल्दी बट साहब के प्रोग्राम के अंदर पहुँचिए, अहबाब की ज़ियारत करिए। हज़रत कादरी साहब माशाल्लाह बड़ा ही दिलसोज खिताब किया है, और इस तो बाद 8 बजे नमाज है सिद्धूपुरे के अंदर मेरा दरस है। इस वास्ते सिर्फ 5-7 मिनट वास्ते मैं हिस्सा अल्लाह पाक की रहमत ना पावांगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्लि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फऔज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जी इला रब्बिकि राजियतम मर्जिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, तो गले में पहन लो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का। मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल है। सामईन मोहतरम, अल्लाह पाक दी हमदो सना और दरुदो सलाम इमाम कायनात आमिना दिलाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी थे। मुख्तरम दोस्तों बुजुर्गो, मैं सब तो पहले मुबारकबाद देंगा रावलपिंडी तो आन वाले मुअज्जज मेहमान मुहतरमुल मुकाम पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब हाफिज़हुल्लाह और अहबाब जमात। अल्लाह पाक सब दा मिल बैठना अपनी बारगाहे आलिया दे अंदर मकबूल और मंजूर फरमाए। मैं इंशाअल्लाहुर्रहमान 5-7 मिनट के अंदर 2 हदीसा बयान करके इजाजत चाहांगा। हर एक इंसान चाहता है कि मनु अल्लाह दा जन्नत मिल जाए। जन्नत दे हुसूल और दखूल वास्ते इंसान नमाज़ां पढ़ता है, हज करता है, ज़कातां देता है, रमज़ान दे रोज़े रखता है, वालिदैन दा अदब करता है, उलमा दी खिदमत करता है और प्रोग्रामां दी ज़ीनत बनता है। इन्हां सारियां चीज़ां दा मेन मकसद इहो ही है कि रब्बुल आलमीन मेरे गुनाह मिटा दे ते मैनू अपना जन्नत अदा कर दे।
अगर इंसान ने दुनिया की जिंदगी गुजार के जाना है, दो ही ठिकाने ने, या जन्नत ते या जहन्नम। अगर अमाल अच्छे करेगा अल्लाह दा जन्नत मिलेगा, अगर बुरे करेगा जहन्नम दा ठिकाना होएगा। मैं बिला तमहीद एक दो अमल बयान करके जन्नत दे बारे इजाजत चाहांगा। अल्लाह जिन्ने बैठे ने सानू सारिया नू अपने जन्नत दा दाखला नसीब फरमा दे। मैं जामे मस्जिद उस्मान तो ही बात शुरू करा। हजरत कादरी साहब ने अपील भी फरमाई, तावन भी मुहब्बत ना कीता और मजीद करना है। आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने अपनी मिठी सच्ची सुची जबान तो इरशाद फरमाया। मेरे आका फरमांदे ने, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। जिहड़ा बंदा अल्लाह दा घर बनांदा है, मस्जिद नूं तमीर करदा करवांदा है, रब्बुल आलमीन उस बंदे नूं अपने जन्नत दा दाखला अता फरमांदे ने। और जन्नत केड़ा है? अल्लाह फरमांदे ने, वसीक लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफुतिहत अबवाबुहा वकाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फ़ादुखुलूहा खालिदीन। और कुरान ने उन्हें लोगों का तज़किरा ते सिफत बयान फरमाई। अल्लाह फरमाते ने, कादा फुलाहल मुमिनून। अल्लाह दा कुरान सुने आंजे फरमाया, कादा फुलाहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वि मुरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कति फ़ाइलून वल्लज़ीना هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ سَارِعُونَ وَالَّذِينَ اللَّهُ پاک دا قرآن کی آندا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ فرمایا مومن دی نشانی ہے نمازاں دے اندر خشوع خشوع اختیار کردا ہے مومن دی نشانی اے ہے کہ لغویات گلا تو انحراف کردا ہے مومن دی نشانی اے ہے اپنے مال نو پاک کرن واسطے زکات دیندا ہے مومن دی نشانی اے ہے اپنے پردے وجود دی حفاظت کردا ہے مومن دی نشانی اے ہے میں قربان جاواں امانت دے اندر خیانت نہیں کرتا مومن دی نشانی اے وعدے دی پاسداری کرتا اللہ فرماندے نے اولائی کا
अल्लाह ने उन्हां लोगां नू वारिस बना दिता है। बंदा दुनिया तो चला जांदा है, किसे प्रॉपर्टी दा वारिस बन जांदा है, किसे मिल दा वारिस बन जांदा है, किसे कारखाने दा मालिक बन जांदा है, अरशां वाले आ के चीज दा वारिस बना दिता है। अल्लाह फरमांदे ने अल्लाह सीना यार सुनल फिर ओम फीहा खालदू फरमाया जेड़ा बंदा निमाल दा पढ़दा कादरी साहब दा ही बयान ए होई सी के अमाल अच्छे कर तो ही ते अपनी जिंदगी काम संद कर। अल्लाह जुल जलाल ते पाक पैगंबर अलैहि सलाम दा रस्ता इख्तियार कर। आओ मैं एक पैगाम ते मैसेज देना चाहना है, रब दे जन्नत दे अंदर दाखिल होना चाहना है। और आह साहबे दिल की आंदा है, जे दिल विच तांगा लगिया जन्नत वड़न दिया, ओ जे दिल विच तांगा लगिया जन्नत वड़न दिया, तू पाल आदता पंज नमाज़ां पढ़न दिया। और अमल किन्ना बेहतर, नमाज पढ़िए ना, उलमा बैठे में आमिना दिलाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, जदो मेरा उम्मती वुजू करदा है शौक नाल मुहब्बत ना बा वुजू हुंदा है, ते अपनी सुबाने हाल विचो कलमे पढ़दा है, अशहादु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहादु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुस्लिमीन। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम ने अपनी सुबाने नबूवत दे विच इरशाद फरमाया, फरमाया अल्लाह दे नबी फरमांदे ने एक कलमे पढ़न दी वजह अल्लाह अपने बंदे वास्ते अपनी जन्नत दे अठे दरवाजे ही खोल देंदे ने। और दूसरी हदीस बयान करके इजाद अच्छा है, मेरे आका फरमांदे में जेड़ा शौक ना वुजो वुजू दे गौर करिया करो। बंदा वुजू करदा है नाल ही गप्पा मारदा है, वुजू करदा है और ध्यान लग जांदा है। मेरे आका फरमांदे में जेड़ा बंदा वुजू करदा है फिर एक कलमे जेड़े मैं पढ़े ने पढ़ लैंदा है, फिर मस्जिद दे सेन अंदर आउंदा है, मस्जिद जनाब ए हाथे अंदर आउंदा है, दो नफल तहियतुल मस्जिद अदा करदा है या तहियतुल वुजू अदा करदा है। ते मेरे आका फरमांदे ने वाजबत लहुल जन्ना, अल्लाह अपने बंदे ते जन्नत नु वाजब फरमा देंदे ने। और वेखिया नहीं मेरे आका मेरा इते गए हुजूर अली सलाम जन्नत दी सैर कर रहे ने, जन्नत दा सैर करदे आ करदे आ मेरे आका फरमांदे ने जिबरील मैं की वेना वा की अपने कन्ना ना सुनना वा, आमिना दे लाल जी की कहना चाहते हो। फरमाया मैं इंज सुनना जिवें जन्नत दे अंदर मेरे अगे अगे टुरदा ना सर आ रहा। सुनिया जन्नत दे मालिक तुसी हो, जन्नत दा बुआ खिलान वाले तुसी हो, सब तो पहले दाखल होने वाले तुसी हो। अल्लाह दे नबी जी भला तो आटो पहला कौन जा सकदा है, ये तो आटा गुलाम नौकर बिलाल है रजी अल्लाह ताला अन है। मेरे आका वापस आए सुबह दी नमाज मेरे पैगंबर पढ़ाए, इंज
नबी दे परवाने आंदा जम्मे गफीर है। आका फरमांदे ने आई ना बिलाल, बिलाल खड़ा हो जा। जी अल्लाह दे नबी जी की आर्डर है। फरमाया बिलाल यार दस शौक ना अमल केड़ा करना, सुनिया कोठियां ते मेरे कोल नहीं, कारखाने ते मेरे कोल नहीं, मिला ते फैक्ट्रियां दा मालिक ते नहीं, इतना सीमो सर ते मेरे कोल नहीं, मैं उमैया दी गुलामी विच वेखदा बकांदा, सुनिया तुहाडे जूड़िया जाके बह गया। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने बिलाल अमल की करना है, सुनिया जदों मैं वुजू करना है, वुजू दे दो नफल अदा करना है, जिन्हों तहय्यतुल मस्जिद या तहय्यतुल वुजू के आ जांदा है। ते मेरे आका फरमांदे ने बिलाल ए अमल तू शौक ना करना, तुरदा मदीने दिया गलिया विच ते तेरे चलां दिया वादा रब दे जन्नता चा रहीआं ने। और जे दिल विच तांगा लगिया जन्नत वड़न दिया, फिर पाल आदतां पंज नमाज़ां पढ़न दिया। पीर साहब बैठे ने, ये ते फारसी दे नी ना लफज, ते पीर फरमाया कि फारसी दे उलमा बैठे ने, ते पीर साहब नू अंदाजा होना चाहिए ए रब दी तौहीद दे मन्नण वाले ने, मुस्तफा दी शरीयत दे ताबे फरमा होण वाले। अजे दिल विच तांगा लगिया जन्नत वड़न दिया, तू पाल आदतां पंज नमाज़ां पढ़न दिया। कुरान दी गल मन, नबी पाक दी गल मन, सुने अल्लाह दी गल मन, सरकार दी गल मन, बड़ा नजारा ए जे पढ़िए ना निमात नहीं गुजारा ए। हुण छड़ दे आदतां जन्नत जाना चाहना, हुण छड़ दे आदतां तरक निमाज़ां करन दिया। और जे दिल विच तांगा लगिया जन्नत वड़न दिया, तू पाल आदतां पंज नमाज़ां पढ़न दिया। मेरे पैगंबर दा फैसला और अल्लाह पाक दे कुरान दा फैसला, फरमाया यार आया तो हन नफ्सुल मुतमाइन्ना, जिंदगी इंज दी गुजार ले, वक्त इंज दा गुजार ले। या आया तो हन नफ्सुल मुतमाइन्ना इरजी इला रब्बी की राजियत मर्जिया, फदखली फी इबादी वदखली जन्नती। अल्लाह तेनू मैनू अपने जन्नत दा दाखला नसीब फरमा दे। उलमा दा जम्मे गफीर मोहतरम हजरत मौलाना भाई मुहम्मद इब्तिसाम साहब और साडे इलाके दे अजीम खतीब और अजीम आलम दीन हजरत मौलाना मुहम्मद अरशद तार साहब, कारी मुश्ताक साहब और दीगर भाई सैफुल्ला साहब, दीगर अहबाब। अल्लाह पाक सब दिया मोहब्बत मेहनत और बट साहब की मोहब्बत अल्लाह अपनी रहमत ना कबूल फरमाए। जिथे प्रोग्राम की कामयाबी की मुबारकबाद है, उथे भाई मुहम्मद यासर बट साहब उन्होंने बेटे पिछले दिनों कुरान पाक मुकम्मल किया, और मेरी तरफों इस जमा अहबाब जमात की तरफों अहलों व सहलों व मरहबा और मुबारकबाद देने आ। और खुदा की कसमे ये पैगाम देने आ कि अपने बच्चियां नू खुदा रा दीन इस्लाम दी दावत भी दियो और इस तरफे गामजन भी करो। हाफ़िज़े कुरान दा बड़ा